जनपद मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों भोजपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने नंदोई पर घर में घुसकर बलात्कार करने व मारपीट का आरोप लगाया था। इसके साथ ही महिला ने इसकी शिकायत भोजपुर पुलिस से की तो पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद पीड़ित महिला ने कोर्ट द्वारा नंदोई के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद महिला का आरोप है कि विवेचक ने नंदोई से सांठगांठ कर पैसे लेकर विवेचना में धारा 376 निकालकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। अब महिला ने मुरादाबाद एसएसपी हेमराज मीणा को प्रार्थना पत्र देते हुए उच्च अधिकारी से प्रकरण की जांच कराकर दोषी नंदोई के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की व न्याय दिलाने की मांग की है। यह इसलिए आई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी भी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने जाती हूँ वो भगा देते हैं मुझे थाने वाले। मेरे साथ रेप हुआ था, मेरे नंदोई ने राहत अली ने ईद के 3 दिन बाद आके रात को लगभग 11 बजे मेरे कमरे में घुसा। मेरे घर कमरे में ना ही दरवाजा है ना कोई खिड़की है। टांग मेरी टूटा हुई थी, तकिए पर रखी थी मेरी टांग, और उसने मेरे साथ रेप करा जबरदस्ती और बोला कि अगर तूने शोर मचाया या किसी से भी कुछ भी कहा तो तुझे और तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा। क्या हुआ फिर, अब जो आपने मुकदमे को कराया कोर्ट से, आप क्या हुआ? मैंने फिर कप्तान साहब के वहाँ पेश हुई, टांग का प्लास्टर कटा तो मेरी, फिर वहाँ पेश होने के बाद वहाँ से चली बात तो उन लोगों ने पैसे वैसे भर दिए। दरोगा ने भी मुझसे कहा कि हाँ पैसे ले ले, तेरे बच्चों के काम मांगे, परेशान है तू, तेरे बच्चों को खाने पीने हो जाएंगे, पैसे ले ले। मैंने वो भी नहीं मानी, नहीं लिए मैंने पैसे, मैंने पैसों के लिए थोड़ी ना करा। फिर मैंने यहाँ से कोर्ट से मुकदमा डाला तो कोर्ट से भी मेरा ये ऑर्डर वॉर्डर सब हो गए। जब उसे पकड़ने की बात आई तो दरोगा साहब ने उसके पक्ष में बोले, मेरे पास कोई पैसा नहीं जो मैं पैसे देती दरोगा साहब को। उसने बहुत मोटे पैसे भर दिए और 76 भी हटवाई। अब मैं इधर उधर भागी फिरती हूँ कोर्ट कचहरी में, और भोजपुर वाले इंस्पेक्टर साहब ने भी ये कहा, जा तुझे कितना भागना भाग कोर्ट कचहरी, रोती फिर हम करेंगे वो जो हमारे दिल में होगी। अब आपने क्या मांग करी है? अब मैं ये कह रही हूँ एसएसपी साहब से कि मेरी ये किसी और दूसरे थाने को विवाद ना किसी दूसरे थाने ट्रांसफर कर दें, जो मैं दोबारा कर सकूँ इस काम को।